नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट गोवर्धन सिंह की जमानत पर कल फैसला आएगा। शनिवार को जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और दो दिन के लिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा यानी कि न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया था। पहले वो 10 दिन पुलिस रिमांड पर थे और 2 दिन से वो न्यायिक हिरासत में है। कल कोर्ट में उनकी जमानत पर फैसला आएगा। शनिवार तक उनकी जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन जज द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया था और हो सकता है कि कल उनको जमानत मिल जाए और वो शायद कल जेल से बाहर आ सकते हैं। कई जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल किसी भी तरीके से उनको ज़मानत मिले, क्योंकि बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में बहुत से लोग जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके लिए लगातार ये कोशिश हो रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर 3 केस और दर्ज हो गए हैं गिरफ्तारी के बाद में, यानी कि 10 दिन से वो जब से रिमांड में है और 2 दिन से वो न्यायिक अभिरक्षा में है यानी न्यायिक हिरासत में है, उसके अंतराल में उन पर 3 अलग अलग केस दर्ज हो गए हैं। अब इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस बारे में क्या जो सारा सिस्टम है, जो सारी बात है, वो क्या निकल कर आएगी, उस बारे में भी देखना बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि अब अगर कल उनको ज़मानत मिलती है तो इन केसों के बारे में क्या रिपोर्ट होगी, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से 10 दिन तक वो रिमांड पर रहे, तो कहीं ना कहीं कल हो सकता है कि चांसेस यही लग रहे हैं कि उन्हें ज़मानत दे दी जाए, क्योंकि न्यायिक हिरासत तभी दी जाती है जब ज़मानत के चांसेस हों। क्योंकि रिमांड बढ़ाई भी जा सकती थी अगर अदालत को ये लगता कि भाई रिमांड देने की ज़रूरत है या पुलिस की कुछ ऐसी बात होती है वहाँ पर आती, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्हें कल ज़मानत मिल जाए। अगर इस बारे में कोई और अपडेट आएगी कल तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, जयपुर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।